हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि ये ड्रैगन फ्रूट प्लान के ऊपर मैं एक स्ट्रक्चर तैयार करने वाली हूँ, तो गाइस मैं स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लेने वाली हूँ बाम्बू स्टिक की हेल्प। गाइस, ये जो ड्रैगन फ्रूट प्लांट है इसके ऊपर मैंने प्रूनिंग कर दी थी मिनिमम 2 महीने पहले और इसको किया था मिनिमम 2 हफ्ते पहले। तो गाइस, इसके ऊपर देख सकते हैं कितना अच्छा अभी ब्रांच निकल के आ रही है। कुछ दिन बाद ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएंगे और उसके बाद यह से टूटने की चांस रहेगी। इसमें ही हम लोगों को फ्रूटिंग देने वाली है, इसी साल देगी होने से। ये अगर कुछ दिन के बाद नीचे तक झुक जाएगी तभी इसके ऊपर फ्रूट आने के लिए मैं फोर्स कर सकती हूँ। तो गाइस, अभी इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इसके स्ट्रक्चर के ऊपर ये ब्रांच अच्छे से रुक सके। तो दोस्तों, अभी की वीडियो में आप लोगों को मैं यही दिखाने वाली हूँ एक ड्रैगन फ्रूट प्लांट के ऊपर स्ट्रक्चर कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों, इसको मैंने लगा के रखी है एकमात्र 16 लीटर की बाल्टी में। इस पर मैं 2-2 कटिंग एक साथ में ग्रो किया था और अभी तो ऊपर की टॉप पर पहुँच ही गया है। आप लोगों को मैं शॉर्ट वीडियो में इसकी अपडेट भी देते रहा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर तैयार करके दिखाने वाली हूँ। गाइस, स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे बाम्बू स्टिक। आप लोग अगर लॉन्ग टाइम तक स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हैं तो कंक्रीट या फिर प्लास्टिक का ही इस्तेमाल कीजिएगा, ये बाम्बू स्टिक की इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये लॉन्ग टाइम नहीं है, ये कुछ दिन बाद ही सड़ने लगेगी और आपको फिर से स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। तो मैं फिर से चेंज कर देने वाली हूँ, मेरे पास अभी कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है। आपके पास होगी तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इसलिए बाम्बू स्टिक की ही हेल्प लेने वाली हूँ। दोस्तों, बाम्बू स्टिक की मदद से भी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और ड्रैगन फ्रूट प्लांट के ऊपर पहले दिखाना चाहती हूँ कि मैं अभी किस तरीके की ड्रैगन फ्रूट के ऊपर स्ट्रक्चर तैयार करने वाली हूँ। तो दोस्तों, उस स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं और आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो गाइस, ये देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर मैंने स्ट्रक्चर को मैं बाम्बू स्टिक की मदद से ही बनाया है। ये जो है ये मिट्टी की पॉट में ग्रो किया गया है। इसमें भी 2-2 कटिंग मैंने एक साथ में ग्रो करके रखी है। इसकी भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा चल रहा है और इसके ऊपर वाली जो ब्रांच है इसको मैंने प्रूनिंग कर दिया। नीचे भी और एक है, इसको भी मैंने प्रूनिंग कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये लॉन्ग टाइम तक नहीं है। ये आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक सोचने के लिए कंक्रीट या फिर आप लोगों को प्लास्टिक के ऊपर ही जाना होगा। तो दोस्तों, चलिए उसको बनाना स्टार्ट करते हैं और आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आप जब भी इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाएं तो आप इसके हाइट के अंदाजे से बनाइएगा। देखिए मैं यहाँ से कैसे इसको ग्रो करने वाली हूँ और स्ट्रक्चर भी तैयार करने वाली हूँ। ये देख सकते हैं एक बाम्बू स्टिक को मैंने इसके ऊपर गाड़ दिया है और ऐसे ही मैं दूसरे को भी गाड़ने वाली हूँ। आप लोग उसके साइड को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि उसके रूट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम या फिर दिक्कत ना हो। दोस्तों, देख सकते हैं मैं इसकी कितने साइड से इस्तेमाल किया हूँ ताकि अगर इसके आसपास रूट्स भी हो उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ऐसे ही दूसरे जो स्टिक मैंने बना के रखी है उसको भी मैं गाड़ने वाली हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं इसको भी मैं एक साइड से गाड़ के यहाँ पे ग्रो करने वाली हूँ। सॉरी दोस्तों, ग्रो करके रखी हूँ, इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ। दोस्तों, मेरे पास बाम्बू स्टिक नहीं थी लेकिन ये काट है, काट की है, तो इसको भी मैं एक बाम्बू स्टिक की जगह पे इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये भी बहुत 2-3 साल तक जाने वाली है, उसके बाद फिर से इसको भी चेंज करना होगा। तो गाइस, देख सकते हैं मैंने तीनों बाम्बू स्टिक को एक साथ में गाड़ दिया है, तो अभी इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रही है।
इसके ऊपर अभी और एक टायर बैठने वाली है, टायर के बाद इसका लुक और भी निखर कर आने वाली है। तो गाइस ये है टायर, ये साइकिल के दुकान पे आप लोगों को फ्री में ही मिल जाएंगे, और अगर कोई 10-5 रुपया देने की लागत भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर जितना भी हम लोगों को ड्रैगन फ्रूट की ब्रांच बैठेगी, उस ब्रांच से जब फ्रूट निकलेगी तो ये पैसा ऐसे ही वसूल हो जाएगी। दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से इसके ऊपर लगाइएगा ताकि इसकी साइड की जितने भी कांटे हैं वो सब दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ऐसे ही मैं इसके ऊपर अभी साइड से बांधने वाली हूँ, बांध के आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे जब आप लोग बांधने के लिए जो आप लोग GIR की हेल्प ले सकते हैं, उसके ऊपर आयरन नहीं लगते हैं। ये जो आप वायर देख पा रहे हो, इसके ऊपर आयरन रख चुकी है। आप लोग वायर की इस्तेमाल नहीं करके आप लोग प्लास्टिक रस्सी की इस्तेमाल कीजिएगा, तब और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों मेरे पास अभी यही GIR तार है, तो इसके ही मदद से मैं अभी इसके ऊपर बांधने वाली हूँ। मेरे पास जब प्लास्टिक की रस्सी आ जाएगी तब मैं फिर से ये प्लास्टिक की रस्सी से ये तार को चेंज कर देने वाली हूँ। तो अभी मैं तार की मदद से ही इसको बांध के आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो मैं आप लोगों को बांधने की जो वीडियो है वो दिखा नहीं पा रही हूँ। उसके बाद में बांधने के बाद में आप लोगों को फिर से इसका लुक दिखाती हूँ। तो गाइस अभी देखिए इसका मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। मैं किस जगह पे इसकी टायर बिठाया हूँ वो भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, ताकि आपको भी जब बिठाना हो कुछ इस तरीके से ही बिठाना होगा, ताकि इसके ब्रांच बड़ा होके इस टायर के ऊपर लटक सके। दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ, ये जो मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया है ये परमानेंट नहीं है और लॉन्ग टाइम नहीं है। आप लोगों को अगर लॉन्ग टाइम तक जाना है तो कंक्रीट या फिर आप लोगों को प्लास्टिक के ऊपर ही जाना होगा। आप अगर लोहे की पाइप इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर भी आयरन लगेगी और ये कुछ दिन बाद ही सड़ जाएगी। वो लोहे की पाइप भी ये बाम्बू स्टिक की तरह ही है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, आप लोग अगर लॉन्ग टाइम तक जाना है तो आप लोगों को बाम्बू स्टिक की जगह प्लास्टिक पाइप या फिर आप लोगों को कंक्रीट ही इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों अभी ये जो प्लास है इसकी हेल्प की मदद से मैं GIR तार की मदद से यहाँ पे इस टायर को बांध दिया है। तो इसकी लुक अभी किस तरीके से कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरा अभी ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है आप लोगों को पूरा दिखा देती हूँ किस तरीके से इसका लुक नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अभी की वीडियो यही थी, आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।